खबर सिरसा से है, जहां इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन पद यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। यात्रा एलनाबाद इलाके के गांव भुटवाला, पोहड़का, मीठी सुरेरा, खारी सुरेरा, किशनपुरा और एलनाबाद शहर में पहुंची। विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कर्मचारियों का दर्द समझता हूं, सरकार बनते ही ओपीएस का तोहफा देंगे। इस मौके पर बोलते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आज कर्मचारी भी गठबंधन सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकालकर पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और केंद्र में भाजपा ने ओपीएस को बंद किया था। इनेलो की सरकार बनते ही कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर उन्हें तोहफा दिया जाएगा। बुजुर्गों की कटी हुई पेंशन पुनः बहाल करेंगे। इसके अलावा भाजपा की जितनी भी जन विरोधी योजनाएं हैं उन सभी को भी खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा को चलते 12 जिले पूरे हो गए हैं। सिरसा 13वां जिला है। पूरे हुए 12 जिलों में जो लोगों का रुझान देखने को मिला उसको देखते हुए इनेलो कांग्रेस और भाजपा से ज्यादा सीटें जीत रही है, जबकि अभी 9 जिले और बचे हुए हैं। इस दौरान सभी लोगों ने प्रदर्शन में परिवर्तन कर इनेलो को फिर से सत्ता में लाने का संकल्प लिया। लोगों के लोग मिले होंगे, तो क्या इस तरह की मुसीबत या हरियाणा का हर वर्ग का व्यक्ति सरकार से दुखी है, कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, उसके इलायदा है, किसान और मजदूर दुखी है, स्टूडेंट दुखी है, महिलाएं दुखी है, खिलाड़ी दुखी है, अलग अलग कर्मचारियों के संगठन के लोग, चाहे वो टीचर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो है, बिजली बोर्ड के लोग हैं, वो भी आज सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट में लोगों को परेशान ना किया हो इन्होंने, इसीलिए बड़ा परिवर्तन आएगा। आपकी यात्रा के दौरान हरियाणा के अंदर सियासी माहौल बड़ा गर्म है। सियासी माहौल तो जब लुटेरों का है मान के चलो, जब धन का बंटवारा सही नहीं होगा तो विवाद बढ़ जाएगा। ये लुटेरे लगातार 3.5 वर्ष से इस प्रदेश को दोनों पार्टियों वाले लूटने में लगे हुए थे, बीजेपी वाले भी, जेजेपी वाले भी, और कुछ ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट में लोगों को परेशान ना किया हो इन्होंने, इसीलिए बड़ा परिवर्तन आएगा। आपकी यात्रा के दौरान हरियाणा के अंदर सियासी माहौल बड़ा गर्म है। सियासी माहौल तो जब लुटेरों का मान के चलो, जब धन का बंटवारा सही नहीं होगा तो विवाद बढ़ जाएगा। ये लुटेरे लगातार 3.5 वर्ष से इस प्रदेश को दोनों पार्टियों वाले लूटने में लगे हुए थे, बीजेपी वाले भी, जेजेपी वाले भी, और कुछ एक और है वो भी स्टूट में शामिल है। अब उनका बंटवारा नहीं हो रहा था सही ढंग से पैसे का, इसलिए 2-3 दिन से माहौल गर्म रहा। अब मुझे लगता है उनकी बैठ करके आपस में कोई फिर साठ गांठ होगी। आज मुख्यमंत्री की भाषा बदल रही है, मुख्यमंत्री कह रहा हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और गठबंधन पूरे 5 साल चलेगा, तो इसका मतलब जरूर कोई लेन देन में जो है बैठ करके फैसला सही हो गया होगा। 18 तारीख को अमित शाह सिरसा रैली करने आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ा है? पहले नहीं आए थे? प्रधानमंत्री भी आए थे, किस लिए आ रहे हैं ये पूछो, क्या देने आ रहा है हरियाणा को? मोदी सरकार की उपलब्धि होने वाली, तो 9 साल की उपलब्धि आज गिनाने आ रहे हैं? 9 साल तक कहाँ सोए हुए थे? हर साल आके गिनानी चाहिए थी, तब तो नहीं गिना सके, तब तो नहीं बताया पहले साल में क्या उपलब्धि है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। अब 9 साल पूरे हो गए, अब जानतों की वजह है, अब बताने आ रहे भी हमने 9 साल में कैसे कैसे लूटे इस देश को, कैसे कैसे बेचा है, वो बताएंगे आके। अब लोग हिसाब करेंगे इनका 9 साल का। परिवर्तन यात्रा से सियासत में तो कुछ नजर आ ही रहा है, मौसम भी परिवर्तित हो रहा है। परमात्मा मेहरबान है हमारे ऊपर,
ठीक है, धन्यवाद आपका।